आठवीं बोर्ड परीक्षा 2023 4 अप्रैल को आपके विज्ञान का पेपर होने वाला है और ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। इसके साथ ही आपका जो गणित का पेपर है वो भी मैं इसी प्रकार से यहाँ पे सारे जो मॉडल पेपर अपलोड करूँगा और ऐप पर उसकी जो आप टेस्ट दे सकते हैं पीडीएफ वगैरह आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो आप ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला प्रश्न आपके ये कि किस रेशे का उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है, तो पैराशूट बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो नायलॉन को उपयोग किया जाता है। ये जो नायलॉन है ये प्रथम कृत्रिम रेशे के रूप में इसको जाना जाता है। पहला जो कृत्रिम रेशा है वो नायलॉन के रूप में नाम इसे लिया जाता है। दूसरा प्रश्न आपके इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, तो कोक जो होता है उसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोल तार का उपयोग डामर के रूप में किया जाता है सड़क बनाने में। आधुनिक निरापद माचिस का जो विकास है इसका शुरुआत कब हुई थी, तो आधुनिक जो माचिस आप देखते हैं उसका जो शुरुआत है 200 वर्ष पूर्व हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 200 वर्ष। सत्य असत्य बताने, द्विविखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो हाँ ये सही बात है, द्विविखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, अमीबा में ये पाई जाती है। अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन उत्पादित करता है, तो ये भी सही बात है, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मधुमेह रोग होता है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते, सही बात है, अलग अलग जो आकर्षण ये आवेश होते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस वो आकर्षित होते हैं और एक जैसे होते हैं माइनस माइनस या प्लस प्लस वो प्रतिकर्षित करते हैं उनको, तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लेना। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है उसको किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। लैंगिक जनन से क्या आशय है, तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, इसको लैंगिक जनन कहते हैं। मिलान करने इसमें आपके कोक जो होता है वो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में काम आता है और कोल तार जो होता है वो संश्लेषित रंग औषधि विस्फोटक सुगंध प्लास्टिक पेंट फोटोग्राफी छत निर्माण इसके अलावा सड़क निर्माण में काम आता है। स्नेहक तेल जो होता है वो स्नेहन में काम आता है, घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। सीएनजी जो है वो ऊर्जा उत्पादन और परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में काम आता है। सीएनजी का जो पूरा नाम है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, यह पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है। इसके अलावा एक गैस होती है एलपीजी जो हम घरेलू ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। घर पे जो हमारा सिलेंडर होता है चाहे वो इंडेन का हो भारत गैस का हो या और भी कोई दूसरा हो, तो इसमें एलपीजी गैस होती है, इसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। फिर आपको सत्य असत्य बताने, तो काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए उससे अधिक वृक्ष नए वृक्ष लगाना चाहिए, तो हाँ जो भी आप वृक्ष काटते हो अगर आप एक वृक्ष काटते हो तो उसकी तुलना में आप 5 वृक्ष कम से कम लगाना चाहिए ताकि जो पर्यावरण संतुलित रह सके, तो इसका तो सही है ये। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते चिड़ियाघर कहलाते, तो चिड़ियाघर को प्राकृतिक आवास नहीं कहते तो कृत्रिम आवास हो जाता है, तो ये असत्य है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है, ये सही आंसर है। और प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, ये भी सही है। जैसे अपने राजस्थान में आते हैं साइबेरियन सारस, कमेंट करके बताना कि राजस्थान में साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। फिर एक और मॉडल पेपर है, नायलॉन का उपयोग किया जाता है, तो नायलॉन का जो उपयोग किया जाता है वो कपड़े निर्माण में, रस्सी और तंबू बनाने में, दांत साफ करने के ब्रश बनाने में, उपरोक्त सभी में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक होता है, तो इनमें से जो दिया गया है उसमें सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है वो सबसे कम प्रदूषक ईंधन होता है, तो सीएनजी का नाम आपको याद कर लेना है। इसके अलावा जो डीजल जो है वो भारी वाहनों में ईंधन के रूप में काम में आता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस या आपके घरेलू ईंधन में काम आता है। सोने चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला का कौन सा क्षेत्र उपयोग करता है, तो ज्वाला का जो बाहरी क्षेत्र होता है उसका उपयोग करता है। सत्य असत्य बताना है, तो निषेचित अंडा जो है युग्मनज कहलाता है, ये सही है। नर और मादा का जो शुक्राणु जो अंडाणु होते हैं इनका संलयन जो होता है वो युग्मनज के रूप में जाना जाता है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। ये जो है किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, तो ये किशोरावस्था का समय है 13 से 18 वर्ष, इसको टीन एज के नाम से जाना जाता है। यदि आप घर से बाहर है तो भूकंप आने पर घर के अंदर जाएंगे, गलत है ये, अगर घर के अंदर है तो भी आपको जो घर से बाहर आना चाहिए भूकंप के समय। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किस स्केल में मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र है उस स्केल का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, यदि आपके घर या आसपास में आग लग जाए तो आग नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक तो पहला काम ये करेंगे बिजली का जो मेन स्विच होगा उसको बंद करेंगे, फिर फायर ब्रिगेड को सूचना देंगे और फिर इसके बाद में जो पानी का छिड़काव करेंगे। बाह्य निषेचन का एक उदाहरण बताने, तो मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है।
पुरुष हार्मोन का नाम लिखना है तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष हार्मोन होता है, इसके अलावा आपके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। बादलों का चित्र आप बना लेंगे। सौर परिवार का आपका जो सबसे बड़ा ग्रह उसका नाम याद कर लेना है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसका नामांकित चित्र आपको बना लेना है। ये नाइट्रोजन चक्र है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्दियों में आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, चार कारण जाने। तो सर्दियों में आप अपने मित्र को ऊनी वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। कारण क्या है? ऊन जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, इसके कारण जो वातावरण और शरीर के जो मध्य में ऊष्मा का जो आदान प्रदान नहीं होता है। दूसरा ये है कि ऊनी वस्त्र जो है शरीर को गर्म रखते हैं, ऊष्मा की हानि नहीं होती है। तीसरा है कि ऊनी कपड़ों में महीन छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, तो ऊन और हवा दोनों जो ऊष्मा के संवाहक होते हैं जो शरीर में गर्मी स्थानांतरण को पर्यावरण में रोकते हैं जिससे कि हमारा शरीर गर्म रहता है। इसके अलावा ऊनी वस्त्र जो स्पर्श करने पर गर्म लगते हैं, सूती या पॉलिएस्टर वस्त्र जो गर्म करने पर ठंडा प्रतीत होता है, अतः जो ऊनी वस्त्र जो सर्दियों में आरामदायक होते हैं। फिर आपको मिलान करना है इसमें द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसमें आपकी हो जाएगा घरेलू, इसमें एलपीजी वाला है ना, एलपीजी जो गैस है वो घरों एवं ईंधन में उद्योगों में ईंधन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। डीजल ये भारी वाहन में भारी मोटर में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। पैराफिन मोम जो होता है वो वैसलीन निर्माण में मरहम और मोमबत्ती बनाने में काम आता है। बिटुमिन जो होता है जिसको हम कोलतार के स्थान पर इसको काम में लिया जाता है और ये आपके पेंट्स और सड़क निर्माण में काम आता है। इसको बिटुमिन का नाम आप याद कर लेना, इसको कोलतार के स्थान पर आजकल सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है। सत्य असत्य बताने की वनों उन्मूलन से वर्षा की दर प्रभावित नहीं होती है तो ये गलत है, वन उन्मूलन से वर्षा की दर प्रभावित होती है। वृक्ष काटेंगे तो वर्षा जो कम होगी, ज़्यादा वृक्ष होंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी। वन्य प्राणी अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जो जंतु और सुरक्षित रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। वन्य जीव प्राणी जो अभयारण्य होते हैं उनमें जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, ये सत्य है। फिर संकटात्मक जंतु वे हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम है, तो ये भी सत्य है। और धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, इसको मरुस्थलीकरण कहा जाता है, तो ये मरुस्थलीकरण की परिभाषा भी आपको याद कर लेनी, ये भी सही है। फिर आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में नामांकित चित्र एक तो याद कर लेना इसका चित्र, और एक इनमें आपको अंतर याद कर लेना है। जैसे जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है, इसमें साइड में होता है, रिक्तिका इसमें छोटी होती है, इसमें बड़ी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो इस हरित लवक के कारण ही होता है। फिर आपको दाब की परिभाषा, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपने सौर और संगीत में आपको अंतर बताना है, सौर और संगीत में क्या अंतर होता है उसमें आपको लिखना है। तो देखो संगीत जो होता है वो कानों को प्रिय लगती है, कानों को अच्छा लगता है, इसको हम कर्ण प्रिय ध्वनि कहते हैं, और सौर जो होता है वो कानों को अच्छा नहीं लगता है तो उसको हम अप्रिय ध्वनि कहते हैं। संगीत जो होता है उससे श्वास संबंधी समस्या पर कोई जो समस्या नहीं आती है, लेकिन सौर जो होते हैं वो श्वास संबंधी समस्याओं के कारण बन सकते हैं। फिर आपको एक नामांकित चित्र बनाना है, सरल विद्युत परिपथ का आपको एक नामांकित चित्र बना लेना है जो कि आपको विद्युत लेपन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपको विद्युत लेपन का एक नामांकित चित्र बना लेना है। अगला प्रश्न आपके सिंचाई, जहाँ सिंचाई जल की जो कमी है वहाँ पर आप कौन सी सिंचाई विधि का उपयोग करेंगे, और सिंचाई विधि का आपको चित्र भी बनाना है। तो जहाँ पर जो पानी जो सिंचाई के जल है उसकी कमी है तो उसको पूरा करने के लिए वहाँ पर जो निम्नलिखित जो दो प्रमुख विधियाँ हैं आधुनिक विधियों के रूप में इनको जाना जाता है, उनको हम काम में लेंगे। जल संरक्षित करने वाली इन विधियों के रूप में भी इनको जाना जाता है, ये जल को बचाव करती हैं। जैसे पहली विधि है आपके छिड़काव तंत्र, जिसको हम ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं, ये फवारा पद्धति भी इसको कहा जाता है, इसको फवारा पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। इसके माध्यम से जो जल संरक्षित करने वाली इस विधि है, इसके माध्यम से जो असमतल भूमि होती है वहाँ पर इसका जो सिंचाई है वहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। तो असमतल भूमि जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है वहाँ पर हम पाइपलाइन बिछा के जो फवारा पद्धति के माध्यम से वहाँ पर सिंचाई की जाती है। और दूसरी जो है आपके वह आपके ड्रिप सिस्टम जो होती है वो भी बूंद बूंद पद्धति के रूप में इसको जाना जाता है, और बूंद बूंद करके पौधों की जो जड़ें होती हैं पौधे की जड़ों में ये पानी पहुँचाने का कार्य करती है, इसलिए इसको ड्रिप तंत्र के रूप में जाना जाता है। ये दोनों चित्र आपको अच्छी प्रकार से बना लेने हैं। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है दोनों में, जो ड्रिप सिस्टम है वो समतल भूमि के लिए काम करता है, ये समतल भूमि के लिए काम करता है, और ये असमतल भूमि के लिए काम आता है। तो ये दोनों आपको थोड़ा सा अंतर इसमें ध्यान रखना है।
फिर आपको धातु और अधातु के गुण के आधार पर आपको चार अंतर बताने। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि उसको पीटने पर वो चादर के रूप में फैल जाए। तो धातु जो होती हैं उसको पीटने पर वो चादर के रूप में फैल जाता है, चादर बनाई जा सकती हैं, लेकिन अधातु भंगुर होती हैं, उसको चोट मारने पर वो टूट जाती है, बिखर जाती हैं। फिर आता है तन्यता का गुण। तो जो धातुएँ होती हैं वो तन्य होती हैं, यानी कि उनको खींच कर जो हम तार बना सकते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु वो सोना होती हैं, सोना सबसे अधिक तन्य धातु हैं, और इससे एक ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जबकि अधातु जो होती है वो अतन्य होती है, इनसे तार नहीं बनता है। नेक्स्ट है उष्मा का चालन। धातु जो होते हैं उष्मा का सुचालक होते हैं, इसमें उष्मा चालन करते हैं, जबकि अधातु उष्मा का चालन नहीं करते हैं। विद्युत चालन, जो धातु होते हैं उसमें विद्युत के चालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सभी जो विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो पाया जाता है आपकी पेंसिल की जो लीड होती है उसमें ये ग्रेफाइट ही पाया जाता है। कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है ये, और ये विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सभी जो कुचालक होते हैं। या फिर आपको कुछ पदार्थ दे रखिए, इनका आपको उपयोग बताना है। जैसे गोल्ड, सोना जो होता है इसका उपयोग गहने बनाने में, आभूषण बनाने में किया जाता है। कॉपर का उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। आयरन जो लोहे का उपयोग है वो इस्पात स्टील निर्माण करने में किया जाता है, मशीनें निर्माण करने में भी किया जाता है। मरकरी, इसको हम हिंदी में पारा कहते हैं, और ये पारा एक ऐसी धातु होती है ये जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो थर्मामीटर, जो तापमापी होते हैं उस तापमापी में इसका उपयोग किया जाता है। तापमापी के द्वारा हमारे शरीर का जो ताप मापा जाता है, आप कमेंट करके बताना कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का जो तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन होती है उसमें भी ये पारा उपयोग में लिया जाता है। एक आपको आँख का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये आपको आँख का नामांकित चित्र समझ लेना है, अच्छे प्रकार से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला प्रश्न ये कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसको चित्र की सहायता से समझाना है। ये देखो ये एक नियम भी है, परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि अगर इसका आपतन कोण का मान यहाँ पे 40 डिग्री है तो आपको परावर्तन कोण पूछेंगे तो वो भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो आपको एक कोण दे के दूसरा कोण पूछ सकते हैं, वो दोनों बराबर ही होंगे। या फिर आपको यहाँ का कोण दे देंगे, वो पूछ लेंगे ये कितना है। यहाँ अगर आपको दे रखा है 50 डिग्री, जो बचा हुआ होगा ये लंब होता है, इसको अभिलंब कहते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, ये 50 है, तो बचा हुआ 40 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें, अच्छा इसको बता देना है, आपतित किरण है ये, परावर्तित किरण है। अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। फिर आपके ये प्रश्न है कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे। तो शुद्ध जल जो होता है वो स्वाद रहित होता है, कोई स्वाद नहीं होता उसमें, रंग रहित होता है, कोई कलर नहीं होता उसका शुद्ध जल का, और उसमें गंध रहित होता है, कोई गंध उसमें नहीं आती है। शुद्ध जल एक सरल यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ये शुद्ध जल का जो सूत्र होता है H2O, और जल का जो pH मान है शुद्ध जल का pH मान वो 7 होता है। अशुद्ध जल है वो स्वाद में खारा और ये अर्धपारदर्शी के रूप में होता है, यानी कि इसके तो आर पार हम देख सकते हैं शुद्ध जल में, लेकिन अशुद्ध जल में आप जो कई वस्तुएं जो धुंधली दिखाई देती है वो अपारदर्शी होती हैं। स्वच्छता संबंधी आपको दो बातें लिखनी है, तो दांतों को नियमित ब्रश से साफ करना चाहिए, और शौचालय स्नानगार इनके आसपास से जो हमको साफ सफाई रखनी चाहिए। शुद्ध हवा के बारे में अशुद्ध हवा के बारे में अंतर बताना है, तो जो शुद्ध हवा होती है वो वायु शुद्ध वायु स्वच्छ होती है, ताज़ा होती है, पारदर्शी होती है, और इसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होते हैं, दुर्गंध नहीं आती है शुद्ध वायु में, धुआं और धूल के कण दिखाई नहीं देते हैं। इसका उल्टा लिखना आपको प्रदूषित वायु या फिर अशुद्ध वायु में, ये आप बता सकते हैं इसमें। फिर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है पहला ये, और ये है कि किस रेशे का निर्माण है जो बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के किया जाता है। तो इसमें से किस रेशे का जो निर्माण है वो बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के किया जाता है, तो नायलॉन जो है इसका उपयोग बिना प्राकृतिक कच्चे माल के किया जाता है। ये कृत्रिम रेशे के रूप में इसको जाना जाता है, ये मानव निर्मित पहला है जो रेशा है नायलॉन, जबकि ये जो रेयन है इस रेयन को कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है, रेयन को कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कृत्रिम रेशम कौन सा है, तो आपको नाम बताना है रेयन। अच्छा प्राकृतिक रेशे कौन कौन से, आप कमेंट करके बताना, जो प्राकृतिक रेशे हैं
वो कौन कौन से हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जीव जंतु से प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक रहस्य कहते हैं, और जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं उनको जांतव रहस्य कहते हैं। ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें आपको ये बताना है कि किसका उपयोग रेल के इंजन को चलाने में भाप बनाने के लिए होता है, तो जो कोयला होता है इस कोयले का प्रयोग भाप बनाने में होता है। दाह्य पदार्थ कौन सा है, तो जो जल सकता है उसको हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। इसमें से लकड़ी जो है वो दाह्य पदार्थ है, बाकी अदाह्य पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। सत्य असत्य बताना है, तो अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है तो गलत है, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं है। अंडाणु को निषेचित करने में शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होने पर शिशु यानी कि जो लड़का पैदा होता है तो ये बिल्कुल सही है, मादा से एक्स गुणसूत्र और पुरुष से जो वाई गुणसूत्र आने पर एक्स वाई जो होगा वो लड़का होगा, और दोनों अगर एक्स है तो फिर वो लड़की होगी। छठा क्वेश्चन है, कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, तो हाँ ये सही बात है, कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बंद कमरे में कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्यों? इसका कारण ये कि कोयला जलाते हैं तो हम ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस बनती है जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर क्लोनिंग क्या है, तो किसी भी समरूप कोशिका का कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, पूरे जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको क्लोनिंग कहा जाता है। विश्व का जो पहला क्लोन तैयार किया गया था वो भेड़ का था, जिसको डॉली भेड़ के नाम से जानता है। इयान विलमुट के द्वारा पहला क्लोन है जो तैयार किया गया था। भूकंप मामने वाले स्केल का नाम बताएं, तो रिक्टर स्केल आप इसमें नाम बता सकते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, तो देखो दो ग्रह ऐसे जिनके नाम याद कर लेना आपको, मंगल और बृहस्पति। इनकी कक्षाओं के बीच में जो छोटे छोटे जो चट्टानी और धातुओं के पीन के आकार की जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो क्षुद्र ग्रह के रूप में जानी जाती हैं। प्रश्न आपके ये भी बन सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति का नाम आपको याद कर लेना है। फिर आपको प्लास्टिक की चार विशेषता बतानी है, तो देखो प्लास्टिक जो होती है उसको हम आसानी से खांचे में डाल सकते हैं। दूसरा है कि प्लास्टिक को पुनः चक्रण के संभव हैं, इन्हें रंग सकते हैं, इनको पिघला सकते हैं। विद्युत प्लास्टिक की कुचालक होती हैं। फिर मिलान करनी 14 क्वेश्चन में सुचालक, तो इसमें से सुचालक कौन सा है, जो तांबा होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। हीन चालक या कुचालक भी कहते हैं, तो इसमें से जो वायु है वो कुचालक के रूप में जानी जाती हैं। क्षारक का जो विलयन होता है वो द्रव का चालन विद्युत का चालन करता है, और विद्युत लेपन में टीन का उपयोग किया जाता है। फिर आपको सत्य असत्य बताना है, तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं उसको जैव मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैव मंडल कहा जाता है, तो ये जैव मंडल कहेंगे, ये असत्य है, फिर तो भूमंडल नहीं कहेंगे इसको, जैव मंडल कहा जाता है। भारतीय विशाल गैलरी का नाम विशन, इस विशन का नाम आपको याद कर लेना है, इसका आंसर हो जाएगा आपके सत्य। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, तो ये सही है, भारत का प्रथम आरक्षित वन जो है वो आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एक टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 200 वृक्ष काटने पड़ते हैं, तो गलत है, संख्या गलत दे रखी है, 200 वृक्ष नहीं काटने पड़ते, 17 वृक्ष उसमें काटने पड़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपके असत्य। फिर आपको इसमें अंतर बताना है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, तो ये कोशिका भित्ति और केंद्र कोशिका द्रव्य और रिक्तिका के आधार पर चार अंतर आपको बताने हैं। तो अंतर में हम लिखेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति देखो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। केंद्रक जो होता है वो कोशिका भित्ति के पास में होता है और इसके बीच में होता है। कोशिका द्रव्य कोशिका इसमें पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि इसमें उपस्थित होता है, इसमें भी उपस्थित होता है। और रिक्तिका जो होती है वो इसमें पादप कोशिका में बड़ी होती हैं और इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है या फिर छोटी होती हैं। अगला है कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रत्येक को समझाना है। तो प्रकृति में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये होता है कि वे संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होंगे, तो ये संसाधन ऐसे होते हैं अक्षय संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा होती है इनकी, और ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है, मनुष्य इनका कितना भी प्रयोग कर ले तो भी ये समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सौर ऊर्जा जो है वो एक अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा का संसाधन है, वायु है, ये दोनों आपके अक्षय ऊर्जा के संसाधन हैं। फिर आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, इसमें प्रकृति के ये इन स्रोतों की मात्रा निश्चित होती है, फिक्स होती है, अगर मनुष्य इनका जो बार बार उपयोग करता रहेगा तो एक निश्चित समय में ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और इन संसाधनों के उदाहरण में आप वन ले सकते हैं, वन्य जीव हैं, कोयला है, खनिज और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक
संसाधन है। फिर अगला प्रश्न आपकी ये कि फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। तो फसलों को आपको बता देना है, मुख्य रूप से तो हम फसलों को दो भागों में बांटते हैं। जैसे जो अपने राजस्थान में दो प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। लेकिन तीसरी फसल भी होती है जिसको हम जायद की फसल कहते हैं, जो गर्मी की ऋतु में बोई जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खरीफ की फसल की। तो खरीफ की जो फसल है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ये जून से सितंबर महीने की अवधि में होती है। इसमें आपको प्रमुख फसलों के नाम याद कर लेना है खरीफ की फसल में, जैसे मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है। मक्का, सोयाबीन और मूंगफली, इन तीनों के साथ में जो फसलें उगाई जाती हैं उन सभी को हम खरीफ की फसल के रूप में जानते हैं। चाहे वो दान है, दान भी आपके खरीफ की फसल के रूप में ही होता है। दान का मतलब यहाँ पे चावल है, यहाँ पे दान का मतलब चावल, दान का मतलब यहाँ पे गेहूँ नहीं है, ये चावल है। तो चावल आपके खरीफ की फसल का उदाहरण है, जबकि जो अपन जो दान बोलते हैं गेहूँ, वो रबी की फसल का उदाहरण है। ये रबी की फसल आपके शीत ऋतु में होती है और ये आपके जो सितंबर से यानी कि अक्टूबर महीने में बोई जाती है और जो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें आपके गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये सभी आपकी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। फिर आपके एक और क्वेश्चन है, वापस रिपीट है क्वेश्चन कि गोल्ड का उपयोग बताने, तो सोने का जो उपयोग है वो आभूषण बनाने में किया जाता है, आयरन लोहे का उपयोग मशीनें बनाने में करते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में करते हैं, कार्बन का उपयोग ईंधन में होता है, कॉपर बिजली के तार बनाने में, मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि धातु और अधातु किसे कहते हैं, ये बताना है आपको। तो धातु क्या होते हैं, धातु एक तो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, तन्य होते हैं, दवानिक होते हैं, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सभी जिनमें गुण पाए जाते हैं उनको हम धातु कहते हैं। जैसे कठोर होते हैं तो सभी धातुएँ कठोर होती हैं, कुछ को छोड़ देते तो सभी धातुएँ कठोर होती हैं। जैसे नरम धातुएँ कौन सी होती है तो आप बताएंगे सोडियम और पोटेशियम नरम धातु होती है, बाकी सभी कठोर होती हैं। इसके अलावा चमकीली होती हैं, जो धातुएँ होती हैं वो चमकीली होती हैं, आपने देखा होगा सोना चांदी ये चमकीली धातुएँ होती हैं। आघातवर्धनी, इनको पीटने पर ये चादर के रूप में फैल जाती हैं। तन्य, खींचने पर ये तार बन जाती हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु अपने सोना है। ध्वनिक, इनको टकराने पर आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उष्मा और विद्युत की सुचालक है, ये अपने में से विद्युत और उष्मा को प्रवाहित होने देते हैं, तो ये सभी धातु कहलाते हैं। अधातु में ये सभी गुण नहीं होते, ये कठोर की जगह हम क्या लिखेंगे, नरम होते हैं, चमकीले नहीं होते, वो मलिन होते हैं और तन्य नहीं होते हैं, आघातवर्धनी नहीं होते हैं, विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं वो, तो इन सभी को हम अधातु के रूप में जानते हैं। लेकिन इनमें भी अपवाद है, वो आपको याद रखना है। जैसे सभी जो अधातु वो मलिन नहीं होते हैं, एक धातु है आयोडीन, आयोडीन ऐसी धातुएँ जो चमकीली होती हैं, आयोडीन धातु चमकीली, अधातु चमकीली होती हैं। इसके अलावा जो सभी भंगुर नहीं होते हैं यानी कि सभी नरम नहीं होते हैं, आपने देखा होगा हीरा सबसे कठोर होता है, तो हीरा अधातु होते हुए भी कठोर है, विद्युत और उष्मा के कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, तो कुछ अपवाद है वो भी आपको याद कर लेने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, हम वो भी देख लेते हैं। किस प्लास्टिक का जो एक विशिष्ट प्लास्टिक होती है जो जो तेल और जल नहीं चिपकता है, तो तेल और जल किस पर नहीं चिपकता है, टेफ्लॉन पर। आपने देखा होगा जो सब्जी बनाने की कढ़ाई होती है उसके ऊपर और चाय बनाने की जो तपेली वगैरह होती है, इन सभी के ऊपर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। तो ये रसोई घर में जो जो भी भोजन पकाने के उपकरण होते हैं उनमें ये टेफ्लॉन चढ़ाई हुई होती है, वहाँ पर जो तेल और जल वहाँ पर चिपकता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके टेफ्लॉन। मेलामाइन जो होता है वो विद्युत, जो आग बुझाने की गाड़ी वगैरह के जो कर्मचारी होते हैं वो उनके कपड़े जो बने होते हैं मेलामाइन के बने होते हैं, वो विद्युत रोधी हैं। ये पीवीसी यो पाइप वगैरह जो ये सभी आपके पीवीसी के द्वारा बनते हैं। रेयान को कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके पीसीआरए का संबंध किससे, तो ये पेट्रोल और डीजल बचाने की जो समिति है उससे संबंधित है। मोमबत्ती से उत्पन्न गैस कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मोमबत्ती से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है, तो ये सही है, मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने की प्रवृत्ति को रजोदर्शन कहते हैं, ये गलत है। ऋतुस्राव रुक जाने की जो प्रवृत्ति है उसको रजो निवृत्ति के नाम से जाना जाता है, जबकि ऋतुस्राव की जो शुरुआत को रजोदर्शन के रूप में जाना जाता है। तड़ित जंजावत का परिणाम रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, तो आपने देखा होगा बिजली रिक्टर पैमाने पर नहीं मापी जाती है, रिक्टर पैमाने पर तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम बताने हैं, तो आप बताएंगे एक तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये दोनों गैसें हैं वो आपके
अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऐसे दो जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो मुकुलन के द्वारा एक तो यीस्ट में होता है, एक आपके हाइड्रा में होता है, जबकि अमीबा में जो होता है जनन वो विखंडन के द्वारा होता है। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है, तो उसको हार्मोन कहा जाता है। और हमारे शरीर की कई अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो हार्मोन स्रावित करती है, जैसे पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं और उससे पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित होता है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है कमेंट करके बताना। अगला जो प्रश्न है कि दो तारामंडलों के आपको नाम बताने, तो सप्तऋषि मंडल है और आपके ओरायन, दोनों आपके तारामंडल के रूप में जाने जाते हैं। पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सूक्ष्म जीव कैसे सहयोग करते, तो पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए कुछ सूक्ष्म जीव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें, और ये सूक्ष्म जीव हमारे द्वारा जो उत्पादित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका विघटन करके उनको भूमि में समाहित कर देते हैं, उनको कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदल देते हैं। तो कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन जीवाणु के द्वारा किया जाता है, और ये सभी जो जीवाणु हैं वो प्रकृति के अपमार्जक होते हैं और सफाईकर्मी के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि वातावरण को शुद्ध बनाने में सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि पॉलिएस्टर के कोई चार गुण बताइए। पॉलिएस्टर जो होता है वो अत्यधिक टिकाऊ बनता है, इसके जो वस्त्र बने होते हैं अत्यधिक टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। इसके अलावा ये लचीले होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, और ये रेशे जो बहुत कम पानी सोखते हैं इसलिए धोने के बाद ये जल्दी सूख जाते हैं, रेशे स्थायी बनते हैं। और पॉलिएस्टर पर कपड़ों पर लगने वाले जो कीड़े हैं वो साधारण रसायन होते हैं, इनका जो कोई इनके ऊपर असर नहीं होता है, तो कीड़े वगैरह इनके ऊपर नहीं लगते हैं। मिलान करना है, कर्षण जो होता है वो तरल द्वारा लगाए गए कर्षण को कर्षण कहते हैं, लौटनी कर्षण लुढ़कती हुई वस्तु से उत्पन्न कर्षण को लौटनी कर्षण कहा जाता है। स्नेहक जो होता है वो कर्षण को कम करने का कार्य करते हैं, तेल ग्रीस ग्रेफाइट ये सभी आपके स्नेह को कर्षण को कम करने वाले स्नेहक हैं। स्थितिक कर्षण आपके स्थिर वस्तु को गतिशील करने में उत्पन्न कर्षण को स्थितिक कर्षण के रूप में जाना जाता है। सत्य असत्य बताना है, तो कागज़ को पुनः चक्रण से वनोन्मूलन को कम किया जा सकता है, तो सही बात है, कागज़ को जब हम बार बार पुनर्चक्रण करेंगे तो पेड़ पौधे नहीं कटेंगे, तो पुनर्चक्रण होता रहेगा तो फिर वनोन्मूलन भी कम होगा। घरेलू चूहा एक संकटात्मक प्रजाति है, तो गलत है, घरेलू चूहा तो बहुत सारे संकटात्मक का मतलब ये है कि धीरे धीरे वो समाप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे अगर उनका संरक्षण नहीं हुआ तो वो समाप्त हो जाएंगे, संकट उत्पन्न हो जाएगा। सफ़ेद हाथी पूरे विश्व में बहुत ऐसे मिलता है, गलत है, तो सफ़ेद हाथी पूरे विश्व में नहीं मिलता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों में लंबी यात्रा करते हैं वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, सही बात है, तो प्रवासी पक्षी जो बाहर से आते हैं प्रवासी पक्षी के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के जो मूल बल है उनके बारे में आपको समझाना है, चाहे आपका गुरुत्वाकर्षण है, घर्षण है, विद्युत स्थिर बल है, ये सभी आपके प्रकृति के मूल बल के रूप में जाने जाते हैं। फिर आपके पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, ये PCRA का पूरा नाम है, याद कर लेना इसको, PCRA का पूरा नाम है, और इसके द्वारा जो डीजल पेट्रोल को बचाने के लिए दिए गए सुझाव हैं वो लिखने हैं, ये PCRA पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। तो ये PCRA जो है इसके द्वारा पूरा नाम क्या है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, इसके द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने में सुझाव दिए गए थे, तो वो कौन कौन से सुझाव वो देख लो। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी है वहाँ पर गाड़ी को इंजन को बंद कर देना चाहिए, टायरों का दाब सही रखना चाहिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। प्रकृति में कुछ मूल बल कौन कौन से वो भी देख लो, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान रखने वाली वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विद्युत बल, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। चुंबकीय बल, तो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, चुंबकीय पदार्थ के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको चुंबकीय बल कहते हैं। घर्षण बल, दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल के रूप में जाना जाता है। फिर आपको बताना है श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे क्या होती है। देखो, श्रव्य तरंगे जो होती है जिनको मनुष्य सुन सकता है, इनकी आवृत्ति 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है और इनको मनुष्य सुन सकता है। पराश्रव्य जो ध्वनि होती है इनको मनुष्य नहीं सुन सकता है, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, और पराश्रव्य ध्वनि का जो परास है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो इनकी जो ध्वनि है वो कुत्ते और चमगादड़ सुन सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत के सुचालक और हीन चालक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना है। विद्युत के सुचालक का मतलब जो अपने में से विद्युत का चालन होने देते हैं वो हम विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, जैसे कॉपर है, तांबा है, इसके अलावा जितने भी धातुएं होती हैं वो सभी विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत का कुचालक जो अपने में से
विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जैसे प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, एबोनाइट है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तारे और ग्रहों में आपको अंतर बताना है, तो तारे जो होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है, जबकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। जो चमकते हैं ग्रह वो दूसरे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं है। एक और मॉडल पेपर देख लेते हैं, इसमें कृत्रिम रेशम क्या है। तो कृत्रिम रेशम जो है, रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, और नायलॉन जो प्रथम है जो कृत्रिम रेशे के रूप में इसको जाना जाता है। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो पेट्रोलियम जो है वो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, जबकि जो सूर्य का प्रकाश है और वायु है इसको अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। मैग्नीशियम जलकर है जो क्या बनाते हैं, तो मैग्नीशियम जलकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये इसका जो सूत्र होता है वो मैग्नीशियम प्लस ओ टू, तो ये बनेगा आपका ट्वाइस एम जी ओ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला जो प्रश्न है कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्म का संलयन होता है, तो सत्य है ये। मनुष्य के गले में उपस्थित बना भाग जो है आवाज उत्पन्न करता है वो स्वर यंत्र कहलाता है, ये भी सही है। बिना किसी वस्तु पर असंतुलित विद्युत मात्रा अनावश्यक कहलाती है, गलत है, वो आवश्यक कहलाती है। मिलान करना है, फिर आपको सूर्य का प्रकाश अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है, इसके अलावा जो कोयला है वो आपके समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, और काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। इसके अलावा जो अप्रिय गंध वाला जो द्रव है उसको कोलतार कहा जाता है। आजकल कोलतार के स्थान पर बिटुमनी का प्रयोग किया जाता है, कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। इस बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में जो डामर होता है उसके रूप में इसको किया जाता है। एलईडी क्या है, तो एलईडी जो है होती है एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। और एलईडी जो होती है वो बिल्कुल कम मात्रा में भी है जो ये दीप्त हो जाती है, जल जाती है। और एलईडी जो होती है उसके ऊपर दो तार होते हैं, इस एलईडी के ऊपर दो तार होते हैं, एक तार लंबा होता है एक तार छोटा होता है। ये लाइट जो होती है छोटी लाइट, इसको एलईडी के रूप में जाना जाता है। जो लंबा तार होता है इसको सेल के प्लस सिरे से जोड़ते हैं, और जो छोटा तार होता है उसको सेल के माइनस सिरे से जोड़ा जाता है। एक प्रश्न ये कि साइलो शब्द का अर्थ बताएं आपको। साइलो क्या होते हैं, बीज भंडारण के लिए जो बड़े बड़े जो गोदाम बनाए जाते हैं उनको साइलो के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके ये कि अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो इसमें से जो मेलामाइन है वो अग्निरोधक प्लास्टिक के रूप में जाने जाती हैं। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो जो जमीन से निकलते कोयला, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, ये सभी आपके जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को किसके सहायता से बुझाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से बुझाया जाता है। जल से नहीं बुझेगी क्योंकि वो जल से अधिक जलेगी। कि निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका, तो सत्य है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होती है। किशोरावस्था में लड़कों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, गलत है, लड़कियों का जो स्वर होता है उच्च तारत्व वाला होता है, लड़कों का स्वर है जो निम्न तारत्व वाला होता है। यानी कि किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होती है और लड़कियों की आवाज़ जो पतली होती है। आवेशित कांच की छड़ प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, तो सही है ये, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती हैं। कमरे के ताप पर माचिस की तीली क्यों स्वयं क्यों नहीं आग पकड़ पाती हैं, तो क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप होता है वो कमरे के ताप से कम होता है, मतलब ये इसका ताप कम होता है और इसका जो तीली है उसका ताप अधिक होता है। ऐसे दो जंतुओं के नाम बताइए जिसमें अलैंगिक खनन जनन पाया जाता है, तो अमीबा और पैरामीशियम अलैंगिक जनन विखनन के द्वारा होता है। नमक की मात्रा संतुलित करने वाले हार्मोन का नाम बताना है, तो एड्रेनलिन, इसको हम आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में चार पंक्तियां लिखनी है, तो लैक्टोबैसिलस के बारे में आप सभी जानते हैं। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। जीवाणु और कवक का उपयोग अनेक जो प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं, एंटीबायोटिक औषधियाँ, उनके निर्माण में किया जाता है। जीवाणु पनीर, अचार आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। उदाहरण देकर समझाना है कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है, यानी कि समाप्त नहीं होती है, खराब नहीं होगी। तो प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करती है, इसका संक्षारण आसानी से नहीं हो पाता है, इसलिए प्लास्टिक की जो प्रकृति है असंक्षारक है। जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, वो असंक्षारक प्रकृति के होते हैं।
फिर आपको मिलान करना है इसमें लंदन, लंदन में कोयला गैस मिली थी, और पेंसिल्वेनिया में प्रथम विश्व का पहला तेल का कुआं खुला था, और असम जो है भारत में वो पेट्रोलियम से संबंधित है। इसके अलावा गोदावरी नदी जो डेल्टा है वो प्राकृतिक गैस के लिए जानी जाती है। अच्छा, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ मिला था, ये आप कमेंट करके बताना, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ पे मिला था। इसमें आपको धातुओं के उपयोग बताने हैं, तो धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ी, वायुयान आदि बनाने में किया जाता है। धातुओं का उपयोग घरेलू सामान बनाने में भी होता है, और धातुओं का उपयोग उद्योगों के निर्माण में होता है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने लगभग आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में अपने सभी प्रश्न देखे। आने वाले जितने भी आपके पेपर है और बाकी के, उन सभी के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे, और मैथ्स का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है वो आपके यहीं पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।